दोस्तों, लॉर्ड गिज़्मो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कमाल मशीन, जो अपनी परफॉर्मेंस से आपके होश उड़ा देंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लीबर LR 11350, ये एक क्रॉलर क्रेन है जिसने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से 1000 टन से ऊपर वाली क्रेन्स के लिए बिल्कुल नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इसे बेसिकली सी पोर्ट्स के करीब हर तरह के हैवी लोड को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ये क्रेन अपने वेल इंजीनियर डिजाइन से बड़ी आसानी से लोड को ट्रांसपोर्ट कर लेती है। LR 11350 के इस लंबे आर्म को पावर बूम कहते हैं। ये हजारों टन वजन उठा सकता है, मगर इस मशीन को चलाना बच्चों का खेल नहीं, जरा से अनबैलेंस से भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए वेट लोड करने से पहले इसकी दूसरी साइड पर भी एक्स्ट्रा वेट रखा जाता है, ताकि ये हमेशा बैलेंस में रहे। ETF MT-240 ट्रक। दोस्तों, MT-240 एक माइनिंग ट्रक है जिसे ETF ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे पहला माइनिंग ट्रक भी है जो डीजल के बजाय बैटरी से पावर लेता है। ये फीचर्स इसे बनाते हैं 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ब्रेक लगाने पर या किसी ढलवान से नीचे उतरने पर ये खुद को चार्ज भी करता रहता है। इसके चारों तरफ कैमरास और सेंसर्स लगे हैं, ताकि ड्राइवर इसे बड़े आराम से कंट्रोल कर सके, और इसकी मेंटेनेंस भी बेहद आसान है। दूसरे लफ्जों में MT-240 किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। मेंजीमक काम एंड फ्रांस मैंसर। यूं तो दुनिया में बहुत सारी टाइप्स के एक्सकवेटर्स हैं, मगर मेंजीमक जैसा कोई नहीं, क्योंकि ये अपनी अनोखी आर्म और स्पेशल फीट के जरिए किसी भी तरह की ढलवान से उतर सकता है। इसे खास तौर पर ऐसी जगह काम करने के लिए यूज किया जाता है जहां दूसरे हार्वेस्टर्स अपने बल्कि साइज और वेट की वजह से नहीं पहुँच सकते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लाजवाब क्रेन
डैम की सफाई के लिए बगैर किसी सपोर्टिव इक्विपमेंट के नीचे जा रही है। कैट डी 11। दोस्तों, कैट कंपनी का बनाया ये डोजर सबसे पावरफुल है। इसमें लगा है 850 हॉर्स पावर वाला शानदार इंजन, जो अपनी जबरदस्त पिकअप और परफॉर्मेंस से आपको हैरान कर देगा। कैट डी 11 की बॉडी को भी बहुत मजबूत बनाया गया है, ताकि ये बुलडोजर पर लगने वाले किसी भी झटके को बर्दाश्त कर सके। फुल ड्राइविंग कंट्रोल और लाजवाब आउटपुट के लिए ब्लेड को खास ज्योमेट्रिकल शेप दी गई है, और इसकी सस्पेंशन ड्राइव भी हर तरह के स्लिपरी और रफ ट्रैक पर काम करती है। ये सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। ट्रेंचर डी 250। दोस्तों, ट्रेंचर को खुदाई के लिए बनाया जाता है। डी 250 भी ऐसा ही एक माउंटेबल ट्रेंचर हेड है। ये किसी भी एक्सकवेटर की आर्म के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका ब्लेड बयक वक्त 80 सेंटीमीटर गहरी, 12 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर चौड़ी ट्रेंच को खोद सकता है। डी 250 की खास बात इसका क्लोज शेप डिजाइन है, जिससे बगैर धूल बगैर मट्टी के खुदाई मुमकिन हो पाती है। निकलने वाली मट्टी पाइप से होकर सीधा टैंक में चली जाती है। ये फीचर इसे शहरों में ट्रेंचेस बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। So, दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो?
अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की अमेजिंग मशीनरी और गैजेट्स के मुतालिक मजीद जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।